बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुल मनाफ के दो जुड़वा बेटे पैदा हुए जिनका नाम हाशिम और अब्दुल शम्स रखा गया। कुछ रिवायत में अब्दुल शम्स को जनाबुल मनाफ अब्दुल मनाफ का ग़ुलाम भी लिखा गया। जब ये बात नजूमियों तक पहुंची, तो उन्होंने पेशन गोई की कि इन दोनों की औलादें हमेशा रंजिश में रहेंगी और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगी रहेंगी। हाशिम से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए और इनकी औलाद हज़रत अब्दुल्ला, जो कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गरामी थे। अबू तालिब जिनसे शेर खुदा हज़रत अली पैदा हुए और हज़रत अब्बास थे, यही बनू हाशिम कहलाए। हाशिम के जुड़वा भाई या अब्दुल मनाफ के ग़ुलाम अब्दुल शम्स से अमिया पैदा हुए और अमिया के दो बेटे अरब और अब्बुल आस थे। अबू सुफियान, माविया और यजीद थे, जबकि अब्बुल आस से हुकुम अफान, हुकुम से मरवान अब्दुल मलिक, यजीद के बाद बनू अमिया के सारे मरवान इन हुकुम से ही थे। चुनाचा अमिया की आल औलाद बनू आमिया कहलाई, यानी हाशिम और चचा साथ बेटे का नाम अमिया था। जनाब हाशिम और अमिया के दरमियान पहली चपकल की तौलीद पर हुई। इसी तरह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम और हर्ब इब्ने अमिया में सारी ज़िंदगी जंग की सी कैफियत रही, जो कि तमाम तारीखी कुतुब में मौजूद है। लेकिन मक्का में बनू हाशिम एक दीनी घराने से मशहूर हुए, क्योंकि इन्हीं के पास काबा की तौलीद थी, जबकि बनू अमिया मक्का के दीगर कबाइली पर अपनी जंगी काबिलियत की वजह से हुक्मरानी में रहने लगे। इसी तरह जब बनू हाशिम में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत का ऐलान फरमाया, तो अक्सर बनू अमिया के लोगों ने ये कहकर इनको मानने से इनकार किया कि अगर नबुवत होती तो वो हमारे ख़ानदान में होती। जंगे बदर और जंगे सफ़ेन बनू हाशिम और बनू अमिया के दरमियान ही लड़ी गई। यजीद ने 60 हिजरी में 30 साल की उम्र में मसन खिलाफत संभाली, तो मदीने के हाकिम को ख़त लिखा कि मदीना में मौजूद साहब कराम लोगों से मेरी बैत लो, ख़ास करके हज़रत हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुलरहमान बिन अबी बकर और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से। अगर उन्होंने बैत से इनकार किया तो हर तरह की सख्ती से काम लिया जाएगा। ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। यजीद की हुकूमत इस्लामी उसूलों के मुताबिक ना थी, लेकिन यजीदान रात इसी तगो दो में लगा रहा कि किसी तरह नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हासिल कर ले, क्योंकि इनकी बैत ना करने से कभी भी इसकी हुकूमत संभल ना पाएगी। जब मदीने में हालात ख़राब होने लगे, शर और फसाद फैलने का ख़तरा बढ़ा, तो इमाम आली मकाम ने मदीने से हिजरत का इरादा कर लिया। आपने रात के वक्त अपनी वालदा हज़रत फातिमा सहा और भाई हज़रत हसन के कब्रों पर हाज़िरी दी और 28 रजब को रात के वक्त अपनी ख़ानदान और असहाब रसूल के साथ मक्का की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। 5 रोज़ का सफ़र करने के बाद काफिला 3 शाबान को मक्का में दाखिल हुआ, जहाँ पर आपका शानदार इस्तकबाल किया गया। मक्का में क़याम के दौरान लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से फैज़ हासिल करने के लिए रोज़ाना कतार दर कतार हाजिर होते। 10 रमज़ान को हज़रत इमाम हुसैन के पास अब्दुल्ला बिन बाल कुफा से ख़त लेकर मक्का में हाजिर हुआ, और इसके बाद हज़ारों ख़त नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इराक़ से मौसूल हुए कि आप कुफा तशरीफ़ ले आएँ। हमें यजीद की हुकूमत नहीं मंसूर, आपने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर इराक़ रवाना किया कि वहाँ के हालात का जायज़ा लें। 6 शवाल को तकरीबन 18,000 कुफियों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ से हाथ पर बैत कर ली। इन सब हालात के बारे में हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन को लिख दिया। यजीद ने इन्हीं दोनों को कुफा के गवर्नर को नरमी बरतने पर बरतरफ कर दिया और इब्ने ज़ियाद को कुफा और बसरा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया।
इब्ने ज़ियाद ने लोगों को डराया धमकाया और क़ैद में डाला और आखिरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। दूसरी तरफ हजरत मुस्लिम बिन अकील का ख़त पढ़कर हजरत इमाम हुसैन ने अपने काफिले के साथ कुफा की जानिब हिजरत शुरू कर दी। मुसलमानों की तारीख में एक अजीबोगरीब शख्सियत नुमाया है कि जिसका नाम काजी शरीफ इब्ने हारिस है। इस शख्सियत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम कबूल किया मगर उसकी आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए वो सहाबी का दर्जा हासिल ना कर सका और ताबेन में हुआ। ये एक नहायत काबिल शख्स था, फ़क़ह और हदीस का आलिम था, शेर व शायरी से भी शगफ़ था। हज़रत उमर ने इन्हें कुफा का काजी मुकर्रर किया। बाद में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इन्हीं ओहदे पर बरकरार रखा और सैयदना मौला अली शेर खुदा की खिलाफत में भी काजी शरीक अपने ओहदे पर बरकरार रहा। सन 61 हिजरी 4 मुहर्रम को इब्ने सियाद मलऊन ने काजी कुफा शरीफ बिन हारिस से कतल हुसैन अलैहिस्सलाम का फतवा लिया। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को जब जिगर गोशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफा की जानिब रवानगी का इल्म हुआ तो इसी ने हुसैन बिन तमयम को 4,000 का लश्कर देकर कादसिया की जानिब रवाना किया कि इन इलाकों की सख्त निगरानी की जा सके। अबू मख्तफ ने इस सफ़र में हजरत इमाम हुसैन के काफ़िले में शामिल दो असदी के वस्त में दुश्मन के लश्कर के हर अवल दस्ते और इनके घोड़ों की गर्दनें नज़र आना शुरू हो गई। बस इमाम आली मकाम ने वो खसम सो खसम हुसम का किया। हरबन यजीद और इनके सिपाही जोहर के नवक हजरत इमाम हुसैन आमने सामने आ गए। नवासे रसूल ने अपने काफिले को हुक्म दिया बराबर इसके सिपाहियों को और घोड़ों को पानी पिलाएं। चनाचा उन्होंने ना सिर्फ दुश्मन के लश्कर को सैराब किया बल्कि इनके घोड़ों की प्यास भी बुझा दी। हरबन यजीद ने कहा मुझे इन खतूतों मरासलात का कोई इल्म नहीं है जिनकी तरफ से आपने इशारा किया और मजीद कहा हम इन खतूत के लिखने वालों में से नहीं थे। हमें हुक्म है कि आपका सामना करते ही आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाएं। हर ने मजीद कहा मैं आपके साथ जंग व जदल पर मामूर नहीं हूँ लेकिन मुझे हुक्म है कि आपसे जदा ना हूँ हत्ता कि आपको कुफा ले जाऊँ। बस अगर आप मेरे साथ आने से इज्तनाब करते हैं तो ऐसे रास्ते पर चलें जो कुफा की तरफ जा रहा हो ना ही मदीना की तरफ ताकि मैं एक ख़त उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के लिए रवाना करूं। आप भी अगर चाहें तो एक ख़त यजीद लिए के लिए लिखें ताकि शायद ये अमर आफियत और अमन व आश्ती पर मंतज हो जाए। मेरे नज़दीक ये अमल इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपके साथ जंग व जदल में आलूदा हो जाऊँ। चुनाचा इमाम हुसैन का काफिला चलता रहा और साथ साथ हरका लश्कर भी रवा दवा था कि दो मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी बरोज जुमेरात हज़रत इमाम हुसैन सलाम अलैह का काफिला करबला में पहुंच गया। जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इस जगह का नाम करबला है तो आप फरमाने लगे बेशक यही रंजौरबला का मकाम है। जब इब्ने ज़ियाद को पता चला कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफा की जानिब रवा दवा हैं तो उसने हरबन यजीद को सिपाही दे उनका रास्ता रोकने के लिए भेज दिया और उसको हुक्म दिया कि इनको किसी ऐसी जगह पर पड़ाओ ढालने पर मजबूर करे जहां पानी करीब ना हो। उसके बाद उमर बिन साद को एक जलील लश्कर देकर हजरत इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया। उमर बिन साद कोफी फ़ौज का करबला सिपा सालार था जो कि खून यजीदी बचने और पुरअमन राह अमल करने के दर पे था। इधर कुफा के नज़दीक गवर्नर नजत उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को शमर ने जंग के लिए उकसाया और बिलाखिर 9 मुहर्रम 61 हिजरी को इब्ने ज़ियाद ने शमर को 4,000 सिपाही देकर करबला भेज दिया। साथ एक धमकी आमेज ख़त भी था उमर बिन साद अगर तुम हुसैन से बैत ले लो तो कुफा रवाना न कर देना नहीं तो उनसे जंग करो। अगर तुम जंग के लिए राज़ी नहीं तो कमान शमर के हवाले कर दो। इरशाद शमर ने हजरत अब्बास को कहा कि मैं इब्ने ज़ियाद की तरफ से अब्बास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अमान नामा लिखूं।
इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। बस ये सुनना था कि हज़रत अब्बास का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने अम्मा नामा पकड़ा और इसके दो टुकड़े कर दिए और फरमाया कि हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तुम लोग चाहते हो कि मैं नवासे रसूल से गद्दारी करूं। चनाचा शमर और इब्न ज़ियाद अपने मुकाम में कामयाब ना हो सके। फिर करबला के मैदान में जब बारी बारी सब शहादतें पेश कर रहे होते हैं तो हज़रत अब्बास नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं कि आका हसन, आका हुसैन, अब मुझे भी इजाज़त दें, मैं इन यजीदियों को जहन्नम वासिल करूँ। हज़रत अब्बास पानी के मिश्क के लिए मश लिए घोड़े पर सवार होते हैं, एक हाथ में इल्म उठाते हैं और नहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तारीख़ तकबरी में हज़रत मोहम्मद बिन जुरैद तबरी लिखते हैं कि जब हज़रत अब्बास दरियाए फरात की तरफ मशकीज़ा और नंगी तलवारें लेकर निकलते हैं तो उस वक्त उमर बिन हज्जाज 500 यजीदी फ़ौजियों के साथ दरिया पर पहरा दे रहा था। बला का तपता सहरा है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। जब पहरेदारों ने एक शाहसवार की नंगी तलवार के साथ आते देखा तो फ़ौज में हलचल मच गई। तारीख गवाह है कि हज़रत अब्बास ने 133 यजीदियों को चीर डाला और दरिया पर पहुंच गए। बाकी फ़ौजी इमदाद लेने के लिए अपने कैंपों में भाग गए। हज़रत अब्बास ने अपना इल्म दरिया के किनारे गाड़ा और मश्क में पानी भरने लगे। मश्क को भरने के बाद आपने खून पानी बस पीने के लिए चलो भरा और फिर ये सोचकर पानी गिरा दिया कि मेरे आका हुसैन और इनकी आल कब से प्यासी है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, है कोई अब्बास से वफादार शख्स इस दुनिया में? फिर आपने सोचा कि अपने घोड़े को पानी पिला लेता हूँ, लेकिन घोड़ा भी वफादार ही था, उसने पानी ना पिया। इतनी देर में उम्र अपनी फ़ौज की दरबार सिर्फ बंदी करता है और पीछे और सिपाही भी मदद के लिए आ जाते हैं। हज़रत अब्बास मशकीज़े उठाए घोड़े पर सवार होते हैं, इतने में एक तीर उनके कंधे पर आकर लगता है। हज़रत अब्बास घोड़े को खैमे की तरफ दौड़ाते हैं, सिपाही इनको घेर लेते हैं और तीरों की बौछार कर देते हैं। उमर वो आवाज़ लगाता है कि ये पानी खैमों तक ना पहुंच पाए, अगर इनको पानी मिल गया तो हमारी खैर नहीं। इतने में एक बदबख्त ने छुपकर तलवार का वार किया तो आपका एक बाजू कलम हो गया। आप पानी का मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ते हैं, फिर दूसरे बाजू पर वो वार करता है, दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। उसके बाद जनाब अब्बास का पानी का मशकीज़ा मुंह में पकड़ लेते हैं, फिर सब यकजा होकर तीर बरसाते हैं, पानी के मशकीज़े को भी लगे और पानी बह जाता है। जैसे ही पानी बहता है तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, तीरों से निढाल हो जाते हैं। यजीदी फ़ौज फतह के नारे लगाते हैं, वापस हो जाते हैं। जब इमाम हुसैन हज़रत अब्बास को गिरता देखते हैं तो वो इनकी तरफ बढ़ते हैं और आकर हज़रत अब्बास का सर मुबारक अपनी गोद में ले लेते हैं। हज़रत अब्बास पहली दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन को अपना भाई कहकर पुकारते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मैं मासूम सकीना के लिए पानी ना ला सका। आपकी रूह मुबारक दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर जाती है। उमर बिन ज़िल जोशन ने 3 दिन तक आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी बंद रखा, जिस पर बड़ों ने तो सब्र का दामन ना छोड़ा पर बच्चे प्यास से तड़प उठे। मैदाने करबला में जब बारी बारी सब शहादतें पा रहे थे तो जिगर गोशा रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि कोई है जो मेरी मदद करे। जब इमाम हुसैन को ज़बान मुबारक से ये सदा जारी हुई तो ज़मीन आसमान की हर चीज़ हरकत में आ गई, ज़मीन फट गई, आसमान हिलने लगा और आसमानों से फरिश्ते तशरीफ़ ले आए, जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने अपने आप को पेश कर दिया, जिन्होंने कहा कि ए नवासे रसूल, हमको हुक्म करें, हम हाज़िर हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये सदा बस इंसानों के लिए है। तमाम इंसान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सदा पर मुस्कुरा रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा झूले से गिर जाता है।
हज़रत रुबाब उस बच्चे को हज़रत इमाम हुसैन के पास लाकर फरमाती हैं कि जब आपने सदा बुलंद की तो झूले से मेरा असगर गिर पड़ा, वो आपकी मोहब्बत, वो आपकी तरफ हरकत करने लगा और ये देखिए इसके होंठ खुश्क हो चुके हैं, 3 दिन से प्यासा है, माँ का दूध खुश्क हो चुका है। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अली असगर को पानी पिलाने के लिए हज़रत रबाब से इजाज़त तलब की कि अभी इसको पानी पिला कर लाता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अपने जिगर के टुकड़े अली असगर को लेकर मैदान में आते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यजीदी लश्कर से कहा, सारी जंग तो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है, इस छोटे से बच्चे को पानी दे दो, पानी पीने दो, इसने आपका क्या बिगाड़ा है। यजीद ग्रुप की तरफ से आवाज़ आई, ए हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम इस बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो। यजीदी लोगों ने कहा कि अगर ये बच्चा खुद अपने लिए पानी मांगेगा तो हम इसको पानी पीने की इजाज़त दे देंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अली असगर को अपने बाजुओं पर बुलंद किया तो अली असगर खुदा के हुक्म से बोल पड़े कि मैं खुदा के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने 3 दिन से प्यासा हूँ, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ। अली असगर की सदाने फ़ौज हरकत में आ गई, हर तरफ कहराम बरपा हो गया। उमर बिन साद और शमर ने कहा कि ऐसे तो हमारी फ़ौज बगावत पे उतर आएगी। यजीदी फ़ौज की तरफ से आवाज़ बुलंद हुई कि हिरमला तेरा चला, हिरमला तेरा चला। हिरमला के पास जो जानवरों के शिकार के लिए तीर था, हिरमला ने वो तीर इमाम अली असगर की तरफ बुलंद किया। तीर बहुत ही तेज़ और 3 नोकों वाला था। तीर की एक नोक इमाम अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक इसके बाजू पर लगी और तीसरी नोक इमाम अली असगर के कान में लगी। तीर इतना तेज़ और वज़नी था कि इमाम अली असगर का जिस्म चीरते हुए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाजू पर जा लगा। तारीख गवाह है कि हज़रत अली असगर का खून अपने बाबा हज़रत सैयदना हुसैन के बाजू और हाथों पर पड़ा, पानी की तरह बहने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने जिगर इमाम अली असगर को अपने हाथों से उठाकर खैमे की तरफ ले आए। रिवायत मिलती है कि हज़रत अली असगर का वाहिद जसद खाकी था जिसे इमाम हुसैन ने अपने बाजू से दफनाया। अबुल फर्ज इस्फहानी इस तरह रिवायत नकल करते हैं कि अली अकबर जब मैदान में जाते हैं तो इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन फरमाते हैं, ए अल्लाह, गवाह रहना, अभी जो जवान मैदान में गया है वो तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा रसूल खुदा से मशाबा है, इससे जल्द अज जल्द अपने नाना रसूल खुदा के हाथों जाम कौसर से सिराब करना। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन मुक्तल की तरफ बढ़े कि अपने बेटे की जंग का नज़ारा करें, वो दुश्मन पर किस तरह छिपटा है। लेकिन लश्कर यजीद में इतना गर्दोगुबार छाया हुआ था कि इमाम आली मकाम दादे शजाअत देते हुए अली अकबर को ना देख सके। इमाम आली मकाम आरसू मन थे कि देखे मेरा बेटा किस तरह राह हक में इस्तकामत का गवाह कोहे ग्रां साबित होता है, किस तरह यजीदी लश्कर पर वार करता है। शजाअत हैदरी के पैकर अली अकबर बनकर यजीदी असाकर पर हमला कर रहे थे, सफ़े के सफ़े उलट रहे थे। लश्कर असीर जिस तरह दौड़ता, इमाम आली मकाम समझ जाते कि अली अकबर इस तरफ दाद शजाअत दे रहा है। इसी तरह सिमतों का तायुन होता रहा, यजीदी सपाही वासिल जहन्नम में होते रहे। अली अकबर मर्दाना वार जंग करते रहे, 3 दिन के प्यासे थे, गर्दोगुबार से फ़ायदा उठाकर घोड़े को एड़ी लगाकर वापस आए। अर्ज़ की, अब्बा जान, अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो ताज़ा दम होकर बदबख्तों पर हमला करूं। फरमाया, बेटा मैं तुम्हें पानी तो नहीं दे सकता, मेरी ज़बान को चूस लो। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अपनी ज़बान खुश्क है। इमाम आली मकाम ने अपनी ज़बान मुबारक अली अकबर के मुँह में डाली तो बेटा इसी तरह नाना जान अपनी ज़बान मेरे मुँह में डाला करते थे।
शायद वो मेरे मुंह में अपनी ज़बान आज के दिन के लिए डालते थे। अली अकबर ने अपने बाबा की सूखी हुई ज़बान चूसी, एक नया हौसला और वलवला मिला। पलटकर फिर लश्कर यजीद पर हमला किया और बहुत से दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया। अचानक लड़ते लड़ते आवाज़ दी, अब्बा जान मुझे थाम लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गए कि जवा साल बेटे की शहादत की घड़ी आ गई। दौड़कर अली अकबर की तरफ आए, करीब होकर देखा तो बमुश्किल पैगंबर अली अकबर ज़मीन पर थे। लश्कर यजीद के किसी बदबख्ती सिपाही की बर्छी अली अकबर के सीने में पेवस्त हो चुकी थी। यजीदी लश्कर जीत के नारे बुलंद करते हुए वापस लौट गए। इमाम आली मकाम ज़मीन पर बैठ गए, अपनी ज़ख्मी बेटी का बोसा लिया। जिस्म जख्मों से चोर है, कोई जगह नहीं जहां तलवार का निशान ना हो। हज़रत अली अकबर ने कहा, अब्बा जान अगर ये बर्छी मेरे सीने से निकाल दें तो फिर हमला दुश्मन पर ना करूं। इमाम आली मकाम ने एक दफ़ा बेटे के सीने में लगी बर्छी को देखा और एक दफ़ा आसमान की तरफ नज़रें उठाई। तो बेटे पर छुरी चलाने से भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तारीख गवाह है कि हज़रत इमाम ने अपने बेटे शबीहे मुस्तफ़ा शहज़ादे अली अकबर के सीने से जब बर्छी निकाली तो खून का फुआरा आपके चेहरे अथर पर पड़ा। शहज़ादे ने आखिरी आह भरी और रूहे कब्ज़े अंसरी से परवास कर गई। शेर खुदा के शेर अपनी तमाम असासे लटकाए लौटाने के बाद खुद घोड़े पर सवार होते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब का रकाब थामती हैं। यजीदी लश्कर जब तलवार हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफ़ा हलचल मच जाती है। वहाँ मौजूद हर शख्स जानता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। लेकिन बदबख्तों की आँखों पर लालच और तमा ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबारी यजीद ने ऊंचा मुकाम और इनाम अकराम हासिल करने के लिए करना चाहता था, लेकिन तारीख ने ऐसी बुजदिल फौज ना देखी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शहसवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। जैसे ही इमाम आली मकाम मैदान की तरफ बढ़ते हैं तो शमसर कहता है, दूर से ही तीर चलाना शुरू कर दो। इमाम आली मकाम को तीर लग चुके हैं। शमशेर हैदरी पर पूरा लश्कर यकबारगी से हमला आवर हो जाता है। खौफ के मारे फौजियों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी फौजी जन्म वासिल करने के बाद नवासे रसूल नमाज पढ़ने की मोहलत मांगते हैं। यही वो वक्त था जब शमसर के जोश दिलाने पर मालिक कंदी ने पीछे से ही एक ऐसा वार किया कि शमर मलऊन के कहने पर सबने तीरों की बरसात कर दी। खुली बिन यजीद नवासे रसूल का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। फिर शकील कर पर बदबख्त और जलील सनान बिन अनस आगे बढ़ा और इनामुल अकराम की लालच में इमाम आली मकाम का सर तन से जुदा किया। मलऊन इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिस्मी अथर को घोड़ों की तापों पर तले पामाल किया गया। सानहे करबला के बाद उमर बिन साद ने अपने लश्कर में से कत्ल होने वालों को 11 मुहर्रम को दफन किया। सैयद जादो और असहाब के 72 जसद मुबारक बेगौर कफन छोड़कर और अहले बैत को कैदी बनाकर कुफा की तरफ दरबार इब्ने ज़ियाद की तरफ बढ़ने लगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है कि शहादत के 3 दिन बाद 13 मुहर्रम को मुकाम गाजरिया से कबीले बनी असद से वह 3 दरियाती फुरात पर पानी लेने आईं तो उन्होंने बग़ैर सरों के जिस्मों को बिखरे देखा तो सबकी चीखें निकल गई। वापस घरों को लौटी और अपने मर्दों को बताया कि ख़ानदान नबूवत की लाशें बिखरी पड़ी हैं, हमें इनको दफनाना चाहिए। चुनाचे कुछ मर्दान के साथ मैदान करबला पहुँचे और कब्रें खोदना शुरू कर दी। उन्होंने एक घोड़ा सवार शख्स की हिदायत के मुताबिक इनको दफन किया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत और असहाब के सर मुबारक नेज़ों पर हैं। इमाम कबीर रिवायत करते हैं कि इब्ने साद ने खोली के हाथ इमाम मकाम आली मकाम का सर अख्तस इब्ने ज़ियाद के दरबार भेजा।
होली जब कोफा पहुंचा तो रात का वक्त था, इसलिए वो सर मुबारक को अपने घर ले गया और एक बर्तन में ढांक दिया। सर मुबारक को देखकर इसकी बीवी नवार सख्त नाराज़ हुई कि ये तुमने क्या जुल्म कर दिया है। वो बयान करती हैं कि खुदा की कसम मैंने देखा कि एक नूर बराबर सा आसमान से उस बर्तन तक सुतून के माने चमक रहा है और मैं सफ़ेद परिंदे देखे जो बर्तन के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। सुबह इसरान करबला नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की सैयदा हज़रत ज़ैनब से गुफ्तगू और आपके दिए जाने वाले जवाबात भी तारीख़ी किताबों में नहायत पुरसोर अंदाज़ में लिखे हैं। हज़रत ज़ैनब और उबैदुल्लाह की बाहमी गुफ्तगू दरबार में मौजूद हाजरीन में नहायत असरअंदाज हुई। कुफे में होने वाले दिलखर्श वाक़यात में से एक वाक़या ये है कि उबैदुल्लाह के पास जब सैयदुल शहदा हज़रत इमाम हुसैन का सर पेश हुआ तो इसने अपने हाथ में मौजूद छुरी के साथ आपके होंठों और दांतों की बेहुरमती की तो दरबार में मौजूद सहाबे रसूल खुदा ज़ैद बिन अरकम रज़ी ताला अन्हा गुस्ताखी देखकर रोने लगे और कहने लगे, इस छुरी को होंठों से उठा लो। खुदा की कसम मैं कई मर्तबा इन होंठों पर रसूल अल्लाह को बोसा लेते हुए देखा है। उबैदुल्लाह ये सुनकर चिल्ला उठा, खुदा तुझे रुलाए, किस चीज़ पर आंसू बहाते हो? फतह पर आंसू बहाते हो? बख्त, अगर मैं ये ना जानता होता कि तुम्हारी अकल ज़ाहिल हो चुकी है तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। हज़रत ज़ैद ने यह सुना तो दरबार से निकल गए। इसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने करबला के काफ़िले को शहदा के सरों के साथ शमरो तारिक बिन मख़फ़र की क़यादत में यजीद के महल की तरफ शाम रवाना कर दिया। तारीख गवाह है कि शाम में जब काफिला पहुंचा तो वहां जश्न का समा था। ज़हर बिन क़ैस ने नुमाइंदगी करते हुए वाक़ये करबला की सारी तफसील यजीद को सुनाई। एक सोने के कश्त में हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को यजीद के सामने पेश किया गया। यजीद ने जब नवासे रसूल के सर मुबारक की तौहीन की तो वहाँ मौजूद हाजरीन ने एतराज़ किया, जिसमें काबिल ज़िक्र याहिया बिन हुकुम और सहाबी रसूल हज़रत अबू सलमा थे, जिनको यजीद ने अपने महल से निकाल दिया। इसके बाद दुख्तरे सैयदा कायनात हज़रत ज़ैनब ने एक तारीख साज खुतबा यजीद के दरबार में दिया, जिससे वहाँ मौजूद लोगों के दिल लरस उठे। यजीद जब पेशमान हुआ तो उसने काफ़िले को आज़ाद करते हुए मदीने में भेज दिया। मदीना के लोगों को वाक़या करबला की खबर मिल चुकी थी। जैसे ही काफिला मदीना पहुंचा तो वहां क़यामत बरपा हो गई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नज़र रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो बस इतना कह सके कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नवासे का सलाम कबूल फरमाएं। बस उसके बाद मदीना में एक ना थमने वाला आंसू।